मिठाइयाँ खाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन मिठाइयाँ जो बनती है उसमें जो मावा यूज़ होता है वो नेचुरल तरीके से किस तरीके से बनाया जाता है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इतने बड़े कढ़ाई में लगभग 12 लीटर दूध यहाँ पे डाला हुआ है एंड दूध को कंटिन्यूसली ऐसे घोटते रहना पड़ता है। ये प्रोसेस काफ़ी मेहनत वाली है, लगभग एक घंटा लगता है कंटिन्यूसली। इसे घोटने के बाद धीरे धीरे कुछ इस तरीके का थिक टेक्सचर आना स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द मेकिंग प्रोसेस ऑफ मावा। एंड घोटना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है आप लोग समझ ही गए होंगे, बिकॉज पानी भी इवेपरेट हो रहा है एंड ये चिपक के जलना नहीं चाहिए उसलिए। एंड कुछ फाइनल टेक्सचर इस तरीके का हो जाता है एंड आप लोग देख सकते हो कि कितना दूध था एंड कितना मावा बना है। इसलिए मिठाइयाँ एक्सपेंसिव होती है एंड फिर इसे इस तरीके से निकाला जाता है एंड ठंडा होके सेट होने के लिए रख दिया जाता है। तो ये प्रोसेस एक्चुअली मैंने भी पहली बार देखा एंड मैं देख ही रहा था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बता देता हूँ। बिकॉज हम लोग मिठाइयाँ तो ले लेते हैं, कभी कभार हम ये भी सोचते हैं कि मिठाइयाँ इतनी महंगी क्यों होती है, बट जब मैंने आज यहाँ पे देखा कि किस तरीके से प्रोसेस होता है एंड क्या क्या चीज़ें लगती है, कितनी मेहनत होती है, तब जाके पता चलता है कि ओके दिस इज़ द रीज़न वो इतनी महंगी होती है एंड दैट्स वाई वी एन्जॉय देम, बिकॉज इतने प्योर क्वालिटी से उसे बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।